आसाम से लखनऊ के बीच में जो ट्रेवल टाइमिंग है वो है 30 आवर्स, मतलब 30 घंटे। और जिनका ये पीसी है उनका नाम है मिस्टर सुमनजीत राज बोंगशी। 30 ईयर्स इनकी एज है, प्राइवेट जॉब करते हैं, गुवाहाटी आसाम में रहते हैं। और ये वहां से बाई ट्रेन 3rd AC में बैठ के आए हैं लखनऊ स्वयं अपना पीसी लेने। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो आप सब? दिस इज आपका भाई शादाब खान एंड वेलकम टू मिस्टर पीसी वाले। अब देखो इस टोटल पीसी की कॉस्टिंग, सबसे पहले जो ग्राफिक कार्ड वो 3080 है, इस टोटल पीसी की कॉस्टिंग है रफली 2.14 लाख। अब हम उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि हमने इसमें कंपोनेंट्स क्या-क्या लगाए हैं। जस्ट हैव अ लुक। तो देखिए भाई लोग, सबसे पहले जो इसमें हमारा कंपोनेंट यूज हुआ है वो यूज हुई है थर्मल टेक की कैबिनेट, थर्मल टेक व्यू 51TG स्नो ARGB व्हाइट लेयर कैबिनेट है, आपने कई बार वीडियोस में देखी होगी। और वैसे एक बार बताऊं, अगर आपको ये सारे कंपोनेंट बाय करने हैं तो अब तो एक ऑप्शन आपके पास यूट्यूब में भी मिलता है, आप इनके व्यू प्रोडक्ट में जाके, यहाँ से देखिए इस तरफ व्यू प्रोडक्ट का लिंक का वो आ रहा होगा आइकन, उस पर जाके आप वहां से भी परचेजिंग कर सकते हैं। यूट्यूब ने भी अब आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर प्रोवाइड कर दिया है। तो देखो ये कैबिनेट 51TG यूज हो रही है, उसके बाद इसमें क्या होता है, कैबिनेट में देखो दो फैन फ्रंट पे आते हैं, एक पीछे आता है, बाकी तीन फैन बेस में जाते हैं, तीन साइड में जाते हैं। तो तीन तीन छः छः फैन लगने के लिए इसमें हम लोग यूज़ करते हैं कूलर मास्टर के हेलो फैन, हेलो मास्टर फैन, हेलो 120 mm के तीन फैन यूज करते हैं, 3 in 1 की किट, यहाँ से शील्ड पैक, यहाँ से शील्ड पैक, ये देखिए ठीक ये यूज हो रही है। उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज में इसमें यूज हो रहा है आपके किंगस्टन की KC 3000 1GB की Gen 4 NVMe, जिसकी रीड स्पीड है देखिए अप टू 7000 MBPS। ठीक है, ये आपकी NVMe हमारी प्राइमरी स्टोरेज में यूज हो रही है। उसके बाद जो रैम यूज हो रही है वो यूज हो रही है देखिए XPG की लेंसर DDR5 16 GB की 6000 MHz की रैम और फुल सील्ड पैक ARGB रैम स्टिक है ये, ठीक भाई, विद हीट सिंक के साथ आती है। और इस रैम को हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो उसमें प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो लेटेस्ट प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, इंटेल का i5 13600K, मतलब 13600K i5 13600K अनलॉक प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। ये देखिए 24 MB कैश कर आता है 17 सॉकेट के साथ, फिर भी फुल सील्ड पैक का यूज हो रहा है। उसके साथ में मदरबोर्ड यूज हो रहा है, बहुत भावकाली मदरबोर्ड है, आसुस ROG Strix Z790 गेमिंग वाईफाई Z790 सीरीज का मदरबोर्ड है। और उससे अच्छी बात क्या है कि ये आपका वाईफाई मदरबोर्ड है, और देखिए आप यहाँ पे इसकी लगी हुई है सील फुल सील्ड पैक। उसके अलावा देखिए इसमें जो हमारा लिक्विड कूलर यूज हो रहा है वो है पूरे मास्टर का मास्टर लिक्विड ML 360L V2 ARGB। एक बात और बता दें आपको, ये पूरी जो कैबिनेट पीसी बन रहा है ये बन रहा है हमारा व्हाइट थीम पे, तो ये रही हमारी व्हाइट लिक्विड कूलर। उसके बाद जो इसमें ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है हाँ सो जोटैक गेमिंग का, जोटैक GeForce RTX 3080 Trinity ट्रिपल फैन के साथ ग्राफिक कार्ड आता है, तीन फैन आते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी और 10 GB का DDR6 हमारा ग्राफिक कार्ड है। उसको चलाने के लिए इसमें लग रही है आपकी कोर्सियर की कोर रिएक्टर 850 वॉट T+ Gold 10 ईयर की वारंटी जाने वाली पावर सप्लाई। तो ये सारे कंपोनेंट हो गए। सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं कैबिनेट, वो दिखाते हैं। सो पहले देखिए कैबिनेट आपकी अंकित भाई ने अनबॉक्स कर दी है। देखिए फ्रंट सबसे अच्छी बात, फ्रंट में टफन ग्लास, साइड में हिंज डोर मिलता है, डोर ये पूरा प्रॉपर डोर मिलता है लॉक अनलॉक मैकेनिज्म का, टॉप पे आपका 360 लिक्विड कूलर प्लस ग्लास, ये आपके सारे इसके बटन्स हो गए, पावर ऑन ऑफ स्विच, और ये हो गए आपके दोनों इसके साइड के पैनल। ठीक भाई, तो इस कैबिनेट को हम लोग इस पर्टिकुलर बिल्ड में कर रहे हैं यूज। पहले इसको अनबॉक्स हो रही है, उसके टाइम लैप्स देखो आप। तो कंपोनेंट अपने अनबॉक्स हो चुके हैं, देखो फैन वगैरह प्रॉपर अनबॉक्स कर दिए गए हैं, AIO में फैन भी लगा दिए हुए, ये भैया देखो रैम हो गई तुम्हारी, NVMe हो गई, और ये हो गया प्रोसेसर। अब बसता है कार्ड, कार्ड को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये देखो सीरियल नंबर के साथ में सीरियल नंबर ये रहा है, और इसको करते हैं अनबॉक्स, और इंटरनल भी सीरियल नंबर आपको एक बार दिखा देते हैं। तो
तो भैया अनबॉक्सिंग प्रॉपर हो गई है, अब चाय की तैयारी शुरू करते हैं, दिखाते हैं कंपोनेंट एक एक इंक्लूड करके और दिखाते हैं आपको लुक। तो भाई लोग देखिए, पीसी अपना कंप्लीट हो गया है एंड हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मेरे जुकाम बहुत तेज़, तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है, तो मेरी लैंग्वेज वर्ड्स ना उबड़ खाबड़ हो रहे हैं, तो उसमें नोटिस मत कीजिएगा। देखिए पीसी हमारा फुल कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए ये रहा आपका व्यू 51 का केबल मैनेजमेंट जो कि किया है अंकित भाई ने, अल्टीमेट केबल मैनेजमेंट। इतने तार थे, कहाँ गए कुछ पता नहीं। ठीक भाई, ये देखिए सारे कंपोनेंट्स में अलाइन हो चुके हैं, ये तीन फैन नीचे, तीन फैन साइड में, एक फैन पीछे लगा हुआ था, दो फैन आगे लगे हुए थे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले इसका साइड का दरवाज़ा लगाते हैं, पन्नियाँ हटाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। सो भाई देखिए सब कुछ लग गया है, देखिए इसमें हिंज टोर भी हमने लगा दिया। ठीक, अब देखिए हम इसमें से रिमूव करते हैं इसकी फिल्म, मतलब इसकी पन्नी, मतलब इसकी क्या बोलते हैं इसको, अंकित, एक प्रोटेक्टिव शील्ड ये गई, और उसके बाद ये ऊपर से देखिए एक लगी हुई है हमारी, ये एक गई, उसके बाद एक हमारी लगी हुई है यहाँ से। तो पहले इसको डोर को बंद करते हैं, बंद, ये डोर बंद हुआ हमारा और ये हमारी प्रोटेक्टिव फिल्म हो गई रिमूव। अब देखिएगा इसका आप लुक, तो हम ऑन करें मशीन ऑन करें, सो 3 2 1 को, ये देखिए ये हमारी मशीन हो गई ऑन। एंड हम शुरू से आपसे ये बात कहते आ रहे हैं और कहते रहेंगे, तो थर्मल टेक व्यू 51 TG कैबिनेट अपने बजट के हिसाब से बहुत 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 ज़बरदस्त है, अल्टीमेट कैबिनेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ये देखिए पीसी कैसा लग रहा है आप लोग बताइए। देखिए सबसे पहले आपको 1 2 3 फैन देखिए साइड लगे हैं, 3 फैन आपके लिक्विड कूलर में ऊपर लगे हुए हैं, एक पीछे लगा हुआ है आपके लिक्विड कूलर, ये देखिए कूलर मास्टर का वाइट AIU है, रैम हो गई आपकी 6000 MHz की और आपका ग्राफिक कार्ड है 3080। ठीक भाई, पीसी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताओ। चैनल पर पहली बार आप लोग आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो यार, आप लोग लाइक करते हो ना वीडियो की रीच बढ़ती है तो मज़ा आता है, या फिर कुछ अलग ही पैटर्न रहता है उसका। तो भाई लोग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बताना, और अच्छा लगा पीसी तो वैसे मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि अगर आप चाहो तो यूट्यूब से भी शॉपिंग कर सकते हो, इनके जो न्यू फीचर आया है ना व्यू प्रोडक्ट, वहाँ जाओ, सारे प्रोडक्ट लिस्ट है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लिस्ट है, वहाँ से जाके भी आप परचेस कर सकते हो, दे आर सो मेनी ऑप्शंस। ठीक भाई, तो कैसा पीसी लगा बताना। भाई हमारा आसाम से आए थे और लेके जाने के पीसी, लेकिन ले जा इसलिए नहीं पाए क्योंकि मशीन थी काफ़ी हैवी और वो जा रहे थे ट्रेन में। अब इसका जो बॉक्स है ना, वो बॉक्स इनके ट्रेन के जो लोअर बर्थ के नीचे के स्पेस होता है ना, उस पर आ नहीं सकता था बॉक्स का, इसीलिए हमने रिकमेंड किया कि आप इसको डिस्पैच करने दो मुझे ताकि ये इजिली सेफली पहुंच जाएगी। ठीक भाई, सो आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और ऐसे ही वस्ती बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद जय भारत।
फन है।